अच्छा सर, तो तुम्हारे पिताजी हमसे लगभग 7-8-9 साल बड़े होंगे। मेरी 45 है। देखिए एक मिनट जरा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंडक्टिंग मीडियम, ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन कंडक्टिंग मीडियम की है, डेल स्क्वायर ई, कंडक्टिंग मीडियम की डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल स्क्वायर ई बराबर, खोलो यहाँ पे ये, आप आगे चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, मिला कि नहीं, लाओ हम निशान लगा दें, इलेक्ट्रोमैग्नेट वही वाली, डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू सिग्मा डेवर ई अपॉन डेवर टी, म्यू सिग्मा डेवर ई अपॉन डेवर टी, म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, म्यू एप्साइलन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इस बार पेपर का पैटर्न जो है थोड़ा इजी किया गया है, टीचरों से कहा गया है इजी इजी क्वेश्चन बनाओ, टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 75 करने हैं, हाँ, तो 25 क्वेश्चन जो तुम्हें हार्ड लग रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक, चॉइस है 25 की चॉइस है, 100 में 100 नहीं करने हैं, 100 में 75 कर लें, ठीक है। दूसरा एक बात, तीनों पेपर को मिला के जिस बच्चे ने, जैसे आप हो, आप ओवरऑल वे में पूरा पढ़े हुए हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, मतलब कोशिश करनी, क्योंकि टीचर पेपर बना रहे हैं तो पिछले सालों की तुलना में आपका सरकार का आदेश है सरल क्वेश्चन बनाने का, ईजी क्वेश्चन बने। फिर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, जितने आपके थ्योरी में नंबर आएंगे उसका 1.5 गुने तक प्रैक्टिकल में नंबर हो जाएंगे, हाँ, मतलब जैसे अगर थ्योरी में आपके फिजिक्स में मान लीजिए 60% आए तो उसका 1.5 गुना कर लीजिए, ये मतलब 1.5 times, ठीक है, मगर अगर 100 में 60 आए तो 100 में 60 का मल्टीप्लाई करो 1.5 का, हैं, तो वो 90% प्रैक्टिकल में आएंगे, मतलब जितना आपका परसेंट थ्योरी में आएगा उसका 1.5 टाइम्स आपका प्रैक्टिकल में होगा, ये आपके ऊपर है ना, मतलब जैसे तुम्हें नहीं आ रहा तो छोड़ते जाओ, 25 छोड़ने हैं, है ना, तो आपका पेपर अच्छा ही होगा क्योंकि अट्रेंडम आपका ये किया गया है, ये अट्रेंडम किया गया है ना, तो अट्रेंडम की स्थिति में टिपिकल पेपर पॉसिबल नहीं है, मतलब जो आपको पढ़ते आए सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एकदम से ऑब्जेक्टिव कर दिया, इसी तरह एमएससी में क्या किया है 60 में 50 करने, उनके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं है, तो जो बस सीधे सीधे सब्जेक्ट, तो अब जैसे आपके इस पेपर के 4 मैक्सवेल रिलेशन हैं, ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव वो हैं, डेल डॉट ई या डेल डॉट डी बराबर रो पहला मैक्सवेल रिलेशन, दूसरा मैक्सवेल रिलेशन डेल डॉट बी बराबर 0 डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0, तीसरा डेल क्रॉस ई बराबर थर्ड रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर टी, ठीक है, तो इस टाइप का पेपर बनना है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे एक अभी याद दिला दे
कि रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म की क्या होती है जनरल वे में, रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म की अभी पढ़ोगे तो हम और भी बता देंगे। रिजॉल्विंग पावर आर बराबर लेमडा अपॉन डी लेमडा म्यू डी म्यू अपॉन डी टी, हमें भी जब पढ़ाया था तभी का है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग की आर बराबर नंबर ऑफ पार्ट्स इन द स्लिट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन, तो ऐसे आने हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर आपका गारंटेड है, सरकार की जब मंशा है, बस ये है कि बच्चों को मार्क्स मिल जाए, बस ये है, ये नहीं है कि फेल हो जाएं बच्चे, ये लेके चले। और प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर कहीं कोविड फैल गया तो इसलिए प्रैक्टिकल करवा नहीं रहे, तो उसका डेढ़ गुना देंगे, तो अच्छे बच्चे को नुकसान नहीं होगा, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं उनका भले नुकसान हो जाए, वो उसका तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो बच्ची है टिपिकल ऑब्जेक्टिव होगा, डेल स्क्वायर ई म्यू सिग्मा डेवर ई अपॉन डेवर टी म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर ई अपॉन डेवर टी स्क्वायर, या इसी तरीके से डेल स्क्वायर एच म्यू सिग्मा डेवर एच अपॉन डेवर टी म्यू एप्सिलॉन डेवर स्क्वायर एच अपॉन डेवर टी स्क्वायर, ये है आपका ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आइए इस इक्वेशन का सलूशन क्या आता है, ये टिपिकल ऑब्जेक्टिव है ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका फोर, फिफ्थ पॉइंट आपको हमने नोट्स भेज दिया है पूरा पीडीएफ बना के। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है इन इक्वेशंस का सलूशन, ई एक्स बराबर सलूशन ई एक्स बराबर ई नॉट ई की पावर अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड, अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड, ई की पावर में माइनस में आई अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्स बराबर ई नॉट ई की पावर अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड, एंड ई की पावर माइनस आई अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू जेड। इसी तरह एच के लिए एच वाई बराबर एच नॉट ई की पावर ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड ई पावर माइनस आई अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हो गया। अब आपको याद करना है कि ये अल्फा ये वाला फैक्टर, इसकी तुलना की जाती है ई एक्स बराबर ई नॉट ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा, ई की पावर अल्फा प्लस आई बीटा। तो जो अल्फा है उसका भी मान यही है ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू जेड, ये एटेन्यूएशन फैक्टर कहलाता है। जब वेव ट्रेवल करती है तो अल्फा है ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू इंटू टू, ये है एटेन्यूएशन फैक्टर। ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि एटेन्यूएशन फैक्टर क्या होता है, अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू, और बीटा है फेज फैक्टर, इसकी वैल्यू ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू, ये है आपका फेज फैक्टर, ये है आपका फेज फैक्टर। तो एक है अल्फा एटेन्यूएशन फैक्टर, बीटा है फेज फैक्टर, अल्फा है एटेन्यूएशन फैक्टर, बीटा है आपका फेज फैक्टर। अल्फा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मालूम है, म्यू परमेबिलिटी कंडक्टिंग मीडियम की, और सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। अब देखिए फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी वीपी की वैल्यू, फेज वेलोसिटी वीपी की वैल्यू ओमेगा अपॉन बीटा है,
ओमेगा अपॉन बीटा है, ओमेगा अपॉन बीटा है, ओमेगा अपॉन बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू, ये कट गया तो वीपी की वैल्यू आई टू ओमेगा म्यू सिग्मा, बीपी की वैल्यू आई टू ओमेगा म्यू सिग्मा, फेज वेलोसिटी की वैल्यू आई, ठीक है। तो एक तो वैल्यू याद रखिएगा, एक तो वैल्यू याद रखिएगा, फेज वेलोसिटी वीपी का मान क्या होता है, ओमेगा अपॉन बीटा, फेज वेलोसिटी वीपी का मान ओमेगा अपॉन बीटा, ओमेगा और बीटा का मान ओमेगा म्यू सिग्मा बाई टू, यहाँ पर ओमेगा से ये हो गया अंडर रूट टू ओमेगा म्यू सिग्मा, टू ओमेगा म्यू सिग्मा। अब देखिए बच्चों, ये हो गई फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी का फार्मूला दो चार बार पढ़ोगे, ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्योरी हमने भेजी, उसमें लिखा भी है, बस हम सीधा सा बता रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस अपॉन वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। तो ईएम वेव की वेलोसिटी फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी के बराबर अपॉन फेज वेलोसिटी, तो सी अपॉन अंडर रूट टू ओमेगा म्यू सिग्मा, टू ओमेगा म्यू सिग्मा, ये होगा टू ओमेगा म्यू सिग्मा। तो एन का मान आ गया सी अंडर रूट म्यू सिग्मा बाय अपॉन टू ओमेगा, म्यू सिग्मा अपॉन टू ओमेगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। कल तुम लोग क्यों नहीं आए थे, हम वेट करते रहे। नहीं कल आना है तुमको, नहीं नहीं ऐसा है ना कि कल हम थर्ड पेपर का शुरुआत करेंगे, तो हम फटाफट रिवाइज कर देंगे, है ना, ठीक है। तो रिवाइज करते हुए हम एक लेसन जो तुम्हारा है वो शुरुआत किससे करी थी, बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाला, वो पूरा रिवाइज कर देंगे, थ्योरिकल पॉइंट फटाफट बता देंगे और आपको ऑब्जेक्टिव, तो कल थ्योरी पूरी रिवाइज कर देंगे। तो शुरुआत टिपिकल से कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, पहली बार ऑब्जेक्टिव आ रहा है उसका, तो उसके ऑब्जेक्टिव सरल ही बनेंगे, ठीक है। जैसे कॉम्प्टन इफेक्ट वाला फार्मूला क्या है, कॉम्प्टन इफेक्ट डायरेक्शन क्या है, ये सब सिंपल सिंपल चीज़ें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, आपकी फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सब फार्मूले बता दें, तो कल पूरा बता दें, है ना। ये फिर थर्ड नंबर ऑप्टिक्स सबसे टिपिकल है, तो ये दोनों निपटा देंगे, ये फिर ऑप्टिक्स पे आएंगे, ऑप्टिक्स में डीप में बताना पड़ेगा, है ना। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उसी से ऑब्जेक्टिव बनने हैं, टीचर सरल ऑब्जेक्टिव बनाएगा, टिपिकल ऑब्जेक्टिव बनाने का नहीं है। तो आपको थ्योरी पर फोकस करना है तो आपका पेपर अच्छा, ऐसे तो चाहे आप हजारों ऑब्जेक्टिव करे रहो, कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक दिक्कत है। अब ईएम वेव के लिए कंडक्टिंग मीडियम में क्या होता है वो चीज़ें याद कर लीजिए, तो वो तुम्हारे कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे करंट डेंसिटी जे बराबर सिग्मा ई होती है, पोलराइजेशन वेक्टर कंडक्टिंग मीडियम में नहीं होता, चार्ज डेंसिटी भी कंडक्टिंग मीडियम में नहीं होती, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपने चारों मैक्सवेल रिलेशन बनाए। तो पहला पॉइंट जो है वहाँ मेन है कंडक्टिंग मीडियम का, देखो पहला पॉइंट, इन कंडक्टिंग मीडियम जे बराबर सिग्मा ई, सीधी ऑब्जेक्टिव है, जे बराबर क्या है सिग्मा ई, पहला पॉइंट ये मेन है, इसी पे फिर थ्योरी बना दी,
जे बराबर सिग्मा ई, करेंट डेंसिटी जे का मान सिग्मा ई, पोलराइजेशन वेक्टर जीरो और चार्ज डेंसिटी जीरो, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब स्किन डेप्थ या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये देखिए कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। यहां पर वेव इंटर करी, जेड बराबर डेल्टा डिस्टेंस पर, जेड बराबर डेल्टा डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई का मान ई नॉट अपॉन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स की वैल्यू ई नॉट अपॉन ई है, या एच वाई की वैल्यू एच नॉट अपॉन ई है, ई एक्स की वैल्यू ई नॉट अपॉन ई है, या एच वाई की वैल्यू ई एक्स अपॉन ई है। ये है स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज द डिस्टेंस, या इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ईएम वेव, ट्रेवल बाई द ईएम वेव एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ई एक्सपोनेंशियल वाला ई एच वाई बराबर एच। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जिसने पढ़ा है उसके लिए। आप देखिए इसकी वैल्यू आती है, ये डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। स्किन डेप्थ का मान आता है अंडर रूड में टू अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, अंडर रूड में टू अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, डेल्टा की वैल्यू अंडर रूड में टू अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा। अब इससे आपको पता चल गया कि स्किन डेप्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी। जब डायरी मेरे ले आओ तो हम तुमको हाँ वो छोटा वाला फ़ोन ले लो, विजयनगर वाले बच्चों को बता दो कि आज सर 5 बजे से विजयनगर में मिलेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो कोचिंग में आ जाओ, फॉर्म भर दो, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन दे दो और क्लास ज्वाइन करो, क्या समझे? छोटा वाला फ़ोन ले लो, हाँ ऊपर ही ये विजयनगर वाले बच्चों को कह दो कि आज हम शाम को 5 बजे से मिलेंगे, ये नहीं जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है ये दे देंगे बच्चे जाके, वो फोटोकॉपी वाले के पैसे दे देना, अरे दे देना दे, गलत काम नहीं, वो नहीं तो फ़ोन करेगा हमको, दे देना वो दे दो, अरे तो निकल जाना आज, अरे ला दो, उसको बात ख़राब होती है तो फिर वो ला दे, एक मिनट बता दो। आज शाम को 5 बजे विजयनगर कोचिंग में हम मिलेंगे, अखंड सर मिलेंगे, आप लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आना आना, फीस जमा करनी फीस जमा कर देना, ठीक है 5 बजे। तो यहाँ पर देखिए स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? कंडक्टिविटी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी, स्क्वायर रूट ऑफ कंडक्टिविटी के। अब बाउंड्री कंडीशन ऑफ ईएम वेव एट इंटरफेस सरफेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन ऑफ ईएम वेव एट इंटरफेस सरफेस,
बाउंड्री कंडीशन ऑफ ईएम वेव एट इंटरफेस सरफेस, बाउंड्री कंडीशन ईएम वेव की इंटरफेस सरफेस पर, बाउंड्री कंडीशन ऑफ ईएम वेव एट इंटरफेस सरफेस। तो यहाँ पर देखिए, एक ये सरफेस लिया जो मीडियम वन और मीडियम टू को अलग अलग कर रहा है। ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस सरफेस, इंटरफेस सरफेस। ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया, एक सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग अलग, टू मीडियम्स को अलग अलग कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस सरफेस। ये है आपका नॉर्मल, ठीक है। पहली बात तो इंटरफेस सरफेस समझिए, जो दो मीडियमों को सेपरेट करे उसे हम इंटरफेस सरफेस कहते हैं। आप देखिए, ईएम वेव इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट ईएम वेव थीटा आई एंगल पर, थीटा आर एंगल पर रिफ्लेक्टेड ईएम वेव, थीटा टी एंगल पर ट्रांसमिटेड ईएम वेव, ट्रांसमिटेड ईएम वेव, ट्रांसमिटेड ईएम वेव। तो बाउंड्री कंडीशन है पहली के नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस एट इंटरफेस सरफेस। पहला पॉइंट, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वन एन बराबर बी टू एन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरफेस सरफेस इज कॉन्टिन्यू। क्या पढ़ रहे हो? नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इंटरफेस सरफेस इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंटरफेस सरफेस। टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस है, ई वन टी बराबर ई टू टी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट H1T और H2T, सिर्फ फार्मूले याद रखने हैं। वन पहले मीडियम का है और टू दूसरे मीडियम का है। तो मैग्नेटिक फील्ड का पहले मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का दूसरे मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस है, सेम रहता है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मीडियम में नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट और दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूअस रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। और चौथा, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, डी वन एन डी टू एन बराबर सिग्मा, ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता है। यहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, कंडक्टिविटी नहीं है। सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये है डी वन एन डी टू एन इज इक्वल टू सिग्मा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। डी वन एन बराबर डी टू एन, अगर इफ सिग्मा बराबर जीरो, अगर कंडक्टिविटी जीरो हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
अगर कंडक्टिविटी जीरो हो जाए, सॉरी चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाए, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सरफेस चार्ज, वेरी गुड, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपकी जीरो हो जाए तो टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ, अगर दोनों सरफेस में कोई भी चार्ज डेंसिटी ना हो, चाहे ऊपर मान लो प्लस बनी नीचे माइनस बनी, तो वो अगर नहीं होगी तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, और अगर रहेगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये अरे नीचे पापा पूजा करते बढ़िया तरह साफ कर दो, आज यहाँ ना करो कल करना, ये हो गया। अब देखिए, तो ये नॉर्मल कंपोनेंट है, तुम्हें थ्योरी पढ़ लिया और ऐसे याद करना है B1N is equal to B2N, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सेकेंड मीडियम इज कॉन्टिन्यूस, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड मीडियम इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इन फर्स्ट मीडियम, टेंजेंशियल कंपोनेंट इन सेकेंड मीडियम इज कॉन्टिन्यूस, नहीं वो ड्रॉ किए जाते हैं ना, उसके पूरे डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, बड़े बड़े डेरिवेशन है। हाँ, तो वो ड्रा यहाँ पे तो हम सिर्फ लिखे तो याद करना है, और ये एक मिनट, ये आपका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा तो याद रखना कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा तो कॉन्टिन्यूस, टी वाला होता ही नहीं, ड्राई नहीं हो पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली ड्रा हो पाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भाई जैसे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस पे ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस पे ले लिया, और जेड एक्सिस कहलाऊँ एनर्जी, तो आप उनमें बदल थोड़ी ना सकते, वो एक बार फिक्स लेके चले, तो नॉर्मल आती है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है टेंजेंसी, ये है तो ये टेंजेंस, पर उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है, वो टेंजेंशियली भी वर्क करती है। तो H1T H2T नॉर्मल कंपोनेंट टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बनता है, D1N D2N कॉन्टिन्यूस नहीं होता अगर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी है, अगर सरफेस की चार्ज डेंसिटी जीरो है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब आइए इंटर, ये आपके हो गए। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात कि EM वेव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओवे करती है, जैसे लाइट करती है वैसे ही EM वेव भी, वो तो देख रहे हो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आई बराबर थीटा आर, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एग्जिस्ट एट सेम प्लेन, है ना। अब देखिए EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही, EM वेव यही स्नेल्स लॉ, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, EM वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी बराबर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2, N2 अपॉन N1 बनेगा, N2 अपॉन N1, अगर N2 की N1 की वैल्यू 1 है
और n2 की वैल्यू n है तो आपका n अपॉन वन, तो n का मान साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी। ठीक है, ये अब आइए, बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा टिपिकल फार्मूला है, जो बड़े बहुत बड़े बड़े प्रूव है, जिसको सिर्फ फार्मूले हम लिख रहे हैं। फ्रेसनल, ये बहुत टिपिकल और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। फ्रेसनल फार्मूला, फ्रेसनल फार्मूला फॉर ई एम वी, फॉर ई एम वी, ई एम वेव के लिए फ्रेसनल फार्मूला, फ्रेसनल फार्मूला फॉर ई एम वी। तो देखिए, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू ई आर नॉट अपॉन ई आई नॉट, ई आर नॉट अपॉन ई आई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिफ्लेक्टेड ई एम वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट ई आर नॉट, एम्पलीट्यूड जिसे कहें, इंसीडेंट ई एम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कंपोनेंट, इंसीडेंट ई एम वेव, आई लगाया, आर का मतलब, हाँ, ओ का मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, हाँ, इसी तरह आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एच के फॉर्म में एच आर नॉट अपॉन एच आई नॉट, एच आर नॉट अपॉन एच आई नॉट, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड ई एम वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट ई एम वेव। मैक्सिमम को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो वैल्यू मैक्सिमा है वही एम्पलीट्यूड। अब देखिए, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसी तरह ट्रांसमिटेड ई एम वेव, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन टी की वैल्यू, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन टी की वैल्यू, आर तो रिफ्लेक्शन का था, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन टी की वैल्यू क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड ई एम वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसीडेंट ई एम वेव। तो ये ट्रांसमिटेड ई टी नॉट अपॉन ई आई नॉट, या टी की वैल्यू, टी की वैल्यू एच टी नॉट अपॉन एच आई नॉट, एच टी नॉट अपॉन एच आई नॉट, एच टी नॉट अपॉन एच आई नॉट। पिछले वाले में एक फिगर हमने बनाया है, इंसीडेंट का एंगल थीटा आई, रिफ्लेक्टेड का एंगल थीटा आर, वही फिगर है ट्रांसमिटेड का ही। तो इसी से ये फार्मूला भी प्रूफ होके आता है, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू, कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू एन कॉस थीटा आई, एन कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी, कॉस थीटा टी अपॉन एन कॉस थीटा आई, आई प्लस कॉस थीटा टी, ये है कोफिशियंट ऑफ रिफ्लेक्शन, याद कर लीजिएगा, एक सही है, ये टिपिकल ऑब्जेक्टिव में है, कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये एक फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चौथा कोफिशियंट ऑफ ट्रांसमिशन, ऑफ ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, टू कॉस थीटा आई, टू कॉस थीटा आई अपॉन टू कॉस थीटा आई अपॉन एन कॉस थीटा आई, एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी, ये फार्मूला याद करिए, ठीक है। अब आपको बता दें, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अगर थीटा आई की वैल्यू नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस की स्थिति में थीटा आई, थीटा आर, थीटा टी ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो। जब इंसिडेंस नॉर्मल हो रहा, देखो इधर देखिए, ये नॉर्मल है और वेव भी ऐसे ही आ रही है, तो एंगल क्या हो गए, जीरो हो गए। तो थीटा आई, थीटा आर, थीटा टी जीरो। हाँ, नॉर्मली इंसिडेंस, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, पर पैरेलल है ना, पैरेलल है तो इस स्थिति में क्या बनेगा, आर बराबर एन कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी, एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी। तो यहां पर आर आर एन कॉस जीरो कॉस जीरो एन कॉस जीरो कॉस जीरो, तो ये आर बराबर एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, आर बराबर एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब आइए टी के वैल्यू भी, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, टी की वैल्यू, टी का मान टू कॉस थीटा आई अपॉन एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी। तो यहाँ पर टू कॉस जीरो अपॉन एन कॉस जीरो कॉस जीरो, तो टू अपॉन एन प्लस वन, ये टी की वैल्यू आ गई, ये टी की वैल्यू आ गई। तो 90 पे तो वो सब जीरो हो जाएगा, कॉस 90 पे जीरो हो जाएगी ना, सब जीरो आएगा फिर, पैरेलल का ही है, नॉर्मली इंसिडेंस का बनेगा, उसमें कंफ्यूज मत करो भाई। अब सोचो ना, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये अब या तो वेव ऐसे इंसिडेंट करोगे या ऐसे इंसिडेंस करोगे, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी इधर ट्रांसमिट, अब तुम 90 डिग्री पे कैसे, ये सरफेस है, इंसिडेंट नॉर्मली हो जाएगा वो केस, अब ऐसे तो ही ना इंसिडेंट करोगे, वो पॉज भाई एक ही एंगल बन रहा है भाई, नॉर्मल के साथ एंगल नापना है तो नॉर्मल के साथ या तो पैरेलल या उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनते जाएंगे। और अदर सोचो ना, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस में तुम कैसे रेज इंसिडेंट करोगे, ऐसे ऐसे, यही तो संभव है, वो कैसे का मतलब ही नहीं है कोई। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, टी की वैल्यू ई टी नॉट अपॉन ई आई नॉट, टी की वैल्यू एच टी नॉट अपॉन एच आई नॉट, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एन कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी, एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी की वैल्यू टू कॉस थीटा आई एन कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी। अब आपका फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा आई, थीटा आर, थीटा टी बराबर जीरो, तो आर बराबर एन कॉस थीटा आई की वैल्यू जीरो, कॉस थीटा टी की वैल्यू ये जीरो, सब जीरो किया तो एन माइनस वन एन प्लस वन, एन एन टू अपॉन एन वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
अब टी का मान 2 cos थीटा आई अपॉन n cos थीटा आई प्लस cos थीटा टी, तो 2 cos 0 n cos 0 cos 0, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन n प्लस 1। ये बच्चों यहाँ तक हुआ ये टॉपिक जो था वो फ्रेसनल थ्योरी, फ्रेसनल फार्मूला फॉर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ऑफ EM वेव, फ्रेसनल फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन ऑफ EM वेव। अब आइए बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव। ये सब EM वेव के लिए पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पढ़ रहे हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ EM वेव। अब आपने उसी तरीके से एक सरफेस लिया जो मीडियम वन और मीडियम टू को अलग अलग करता है। ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस सरफेस। ए सरफेस विच सेपरेटिंग द टू मीडिया इज नोन एज इंटरफेस सरफेस। एक सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंटरफेस सरफेस। ये नॉर्मल लिया, ये आपका डेंसर मीडियम लिया, ये रेयर मीडियम लिया। थोड़ा ये फर्क किया है कि जो आपका N2 है, N2 की वैल्यू N1 की वैल्यू N है और N2 की वैल्यू 1 है, ऐसा मीडियम लिया है, ठीक है। ये उल्टा किया है। अब देखिए, अब वेव इंसिडेंस करी थीटा आई एंगल पर, ठीक है, एक ऐसी एंगल पर वेव इंसिडेंट कराई जिसे हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल, और ये EM वेव ऐसे आपकी पास है 90 डिग्री पर, उसका रिफ्रैक्शन हुआ है। अब एंगल बढ़ा दिया और बढ़ा दिया थीटा आई एंगल कर दिया, EM वेव रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। उसी सरफेस से EM वेव का जहां रिफ्रैक्शन होना था वहां रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। EM वेव आपने थीटा सी एंगल पर इंसिडेंट करी जिस पर 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हुआ, अब आपने एंगल बढ़ा दिया तो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्शन होने लगा, तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी की वैल्यू क्या होती है, N2 अपॉन N1, ये होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, साइन थीटा सी करी, ये क्या हुआ, साइन 90 हुआ। N2 का मान है 1 N, तो साइन थीटा सी बराबर 1 अपॉन N, या N बराबर 1 अपॉन साइन थीटा सी, ये क्या हुआ, cosec थीटा सी, ये हुआ cosec थीटा सी, ये है आपका cosec थीटा सी। दिस वैल्यू इज इक्वल टू cosec थीटा सी, ये वैल्यू cosec थीटा सी के बराबर है, ये वैल्यू आपकी cosec थीटा सी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर sin थीटा आई अपॉन sin थीटा टी
एन टू अपॉन एन वन, ये हो गया साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 वन अपॉन एन। तो साइन थीटा सी बराबर वन अपॉन एन, एन बराबर वन अपॉन साइन थीटा सी, ये किसके बराबर, कॉस थीटा। यही आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, पढ़ा है क्या? ठीक है, बहुत होशियार हो तुम। ठीक है, अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, ये तो यहाँ तक का हो गया, अब दूसरी क्लास कर दे, ये क्लास एक हो गई, अब दूसरी एक क्लास, फिर बहुत बड़ी हो जाती है तो डाउनलोड